हाय दोस्तों, वेलकम टू बीएस टेक्निकल मोबाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एमआई का कोई भी मोबाइल हो, जैसे कि एमआई यूआई 9, एमआई यूआई 10, 11, 12, तो इसको हम बाईपास कैसे करें, जो हमारे मोबाइल की एफ आर पी या गूगल अकाउंट लग जाता है, तो उसको हम बाईपास कैसे करें बिना किसी पीसी के। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारे फ़ोन की जो ये पासवर्ड है इसको लगाना है। इसके ज़रिए भी आप अपने मोबाइल का जो हो सकता है एफ आर पी बाईपास हो जाए। अगर इससे भी ना हो तो आगे भी हम बताएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने फ़ोन का जो पासवर्ड है हमें लगाना है। तो हमें कोई भी पासवर्ड लगा लेना है। तो हमने अपने मोबाइल का जो पासवर्ड लगा लिया है और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो देख सकते हैं नॉट सिंगिंग आ रहा है दोस्तों। तो हमें अब शुरू से स्टार्ट सेटअप करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। तो हमें दोस्तों अब स्किप नहीं करना है। हमने जो पासवर्ड लगाया था मोबाइल का वो लगा रहने देना है और हमें अब वाईफाई को कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, हमें वाईफाई कनेक्ट करना है और जो ये स्किप का बटन है इस पर नहीं दबाना है दोस्तों, हमें ये डॉट का है इस पर हमें करना है। तो देख सकते हैं डॉट पर क्लिक करना है, स्किप पर नहीं करना है। तो हमने डॉट पर क्लिक किया और इसको टिक करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हमारा मेथड ये था कि हम फ़ोन को लॉक लगाते थे और फिर वाईफाई कनेक्ट करके वही लॉक आगे मांगता था, तो हमारा इससे बाईपास हो जाता था। तो आपको मैं दिखा दूं किस तरह पहले होता था। तो थोड़ा लोडिंग लेगा। तो देख सकते हैं हमने पहले लॉक लगाया था, वही लॉक अब दोबारा भरना है। तो हमने भर दिया है दोस्तों, इंटर कर दिया है। दोस्तों, आपका इसी मेथड से यू आई एम आई 9, यू एम आई 10, यू आई एम आई 11 और यू आई एम आई 12 इसी लॉक से भी आप कर सकते हैं। अगर आपका लॉक से नहीं हुआ हो तो देख सकते हैं ये मेरा बाईपास नहीं हुआ है। तो हमें बाईपास करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपका मोबाइल में ये एम आई यू आई 13 या 12 है, अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसमें जाके आप कर सकते हैं। तो हमें टाइपिंग करना है, टाइपिंग करने के बाद लॉन्ग प्रेस करेंगे और नीचे ये डॉट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो ये जीमेल पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और नीचे नीचे हमें नोटिफिकेशन पे आना है और नीचे नीचे आएंगे और ये डॉट पे क्लिक करना है दोस्तों। हेडवे फीडबैक पे जाएंगे। तो आपको बता दूं, अगर आपका ये डॉट पे ये मैनेजर अगर सेटिंग खुलता है तो ठीक है, नहीं खुलता है तो हमें सेटिंग तक जाना है। तो हमें सेटिंग जाने के लिए हेड एंड फीडबैक पे करेंगे और हमें इस पर डी लिखेंगे और ई लिखेंगे तो नीचे हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें दोस्तों नीचे सेम इस पर ही आना है। इसके आने के बाद दोस्तों, हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपका यू एम आई 12 या 13 हो और उसका बाईपास करना हो तो हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। दोस्तों, पहले ये था कि यूट्यूब ऑप्शन खुलता था, अब नहीं खुलता है। अब अपडेट आ गया है तो हमें YouTube ऑप्शन नहीं खुल रहा है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें मैप पर जाना है। तो ये मैप पर ओपन करेंगे और नीचे नोटिफिकेशन पर जाएंगे और नीचे नीचे आएंगे। नीचे नीचे आने के बाद दोस्तों, हमें अब स्किप पे क्लिक करना है और ये डॉट का निशान है ऊपर, इसके बैक आएंगे। बैक आने के बाद हमें डॉट पे फिर जाना है और नीचे हमें गूगल अर्थ ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे हमें ऐप्स आ जाएगा, ये फ़ोन का ऐप्स है, इस पर क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर पर नहीं जाएंगे, नहीं तो आपका ओपन नहीं होगा। तो हमें फ़ोन की जो ऐप्स खोल लेनी है। खोलने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट करें, लोडिंग ले रहा है। तो हमें सर्च करना है एफएक्स लॉन्चर। हमें दोस्तों एफएक्स लॉन्चर डाउनलोड करना होगा। तो हमने एफएक्स लॉन्चर डाउनलोड करना है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा। और आपको हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दोस्तों दे दी है एम आई यू आई 12 की, एम आई यू आई 13 की। अगर आपके पास एम आई यू आई 12 या 13 का मोबाइल है और एफ आर पी लग गई है तो उसका हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और अपने मोबाइल की एफ आर पी बाईपास कर सकते हैं। तो हमें दोस्तों डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन करना है। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सब डाउनलोड करने के बाद हो सकता हो आपका
अपेक्स लॉन्चर जो ओपन नहीं होगा, हो सकता है बैक आ जाए। बैक आने के बाद आपको सेम प्रोसेस करना है, अपेक्स लॉन्चर को दोबारा वैसे ही करना होगा। अगर आपका बैक आ गया तो, नहीं आया है तो आपको सेटिंग तक जाना है। तो हमें अब सेटिंग ओपन करनी है, तो देख सकते हैं अबाउट पे जाना होगा दोस्तों। तो ये हमारा अबाउट है और हम नीचे नीचे आएंगे, देख सकते हैं MIUI वर्जन पे हमें 2, 3, 4 बार के एकदम से क्लिक करना है तो हमारा ये डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और नीचे नीचे आने के बाद हमें अब हमें एडवांस सेटिंग पे जाना है। हमने जो डेवलपर ऑप्शन ऑन किया था उसके ऑप्शन पर जाएंगे और इसमें देख सकते हैं आपका OMG अनलॉक है, इसको हमें अनलॉक करना, इसको हमें ऑन करना है। तो देख सकते हैं हमारा ये OMG अनलॉक ऑन हो चुका है। तो हमें दोबारा से फिर चेक करना है ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका ऑन हुआ होगा तो ही भी बाईपास होगा, नहीं होगा तो आपको रीसेट मारना है। देख सकते हैं MI अनलॉक के बाद हमें इसको रीसेट मारना है। अगर दोस्तों आपका ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है या रीसेट नहीं लग रहा है या आपका MIUI जो डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करें आप। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो रीसेट हो रहा है, इसको थोड़ा वेट करें, टाइमिंग चल रहा है तो इसको हमें रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद दोस्तों हमारा जो MI का जो मोबाइल है उसमें जो FRP गूगल अकाउंट लगा है वो बाईपास हो जाएगा। तो थोड़ा हमें वेट करना है, हमारा फ़ोन जो फॉर्मेट होगा और कुछ टाइम लग सकते हैं दोस्तों। हमारा फ़ोन जो MI ऑन होने में 5 से 10 मिनट तक हो सकता है लग जाएं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ोन को रीसेट होने देना है, ऑन होने देना है। 5 से 10 मिनट तक मिनट लगेंगे ऑन होने में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास MIUI कोई सा भी हो, 9, 10, 11 इसी प्रकार आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन ऑन हो गया है, हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। अगर आपके पास MIUI 13 है तो आप हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उससे आप मोबाइल की FRE बाईपास कर सकते हैं। तो हमारा फ़ोन जो लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग थोड़ा टाइम हो सकता है दोस्तों, इसमें टाइम लगेगा, तो वीडियो को मैं थोड़ा स्किप करता हूँ दोस्तों। तो हमारा फ़ोन जो लोडिंग अभी ले रहा है, थोड़ा वेट करना है। देख सकते हैं हमने वीडियो स्किप कर दी है, हमें नेक्स्ट करना है और स्किप करेंगे, हमें अब सेटअप करना है, स्किप स्किप करना है। देख सकते हैं हमारे फ़ोन की जो FRP गूगल अकाउंट है बाईपास हो चुकी है। जो मेरे पास मॉडल है दोस्तों MIY1 है, हमें अब नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, अगर आप कर नहीं पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। तो हमें अब नेक्स्ट करना है और हमारे फ़ोन का जो FRP गूगल अकाउंट है वो दोस्तों बाईपास हो चुका है। थोड़ा वेट करें, फ़ोन लोडिंग लेगा। दोस्तों अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल हार्डवेयर का काम सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल हार्डवेयर की नई नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपका मोबाइल की जो FRP गूगल अकाउंट बाईपास हो गई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगर नहीं हुई तो, नहीं हुई हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा वेट करें दोस्तों, लोडिंग ले रहा है, देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो गया है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं हमारे फ़ोन की जो FRP गूगल अकाउंट है बाईपास हो गया है। तो दोस्तों अगर